हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। तो जैसे कि हम सिस्मोलॉजी के बारे में या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्मोलॉजी। तो इन दोनों में क्या क्यों आवश्यकता रहती है इंजीनियरिंग जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की, ताकि जो है डिजाइन और बिल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से जो है जो कहीं भी स्ट्रक्चर तैयार करना है, डिजाइन तैयार करना है, तो जो अर्थक्वेक को देखते हुए, ठीक है, उसके जो है पहले से जो है हमें अगर पता होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक का जो है कितना मात्रा में अर्थक्वेक जो है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, या अर्थक्वेक आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। नंबर एक, टू डिजाइन एंड बिल्ड अर्थक्वेक रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, नंबर दो, टू कैरी आउट एडवांस रिसर्च संभालने में या उसके जो है उसे निपटने में के लिए जो एडवांस ही जो है हम तैयार रहेंगे, ठीक है। फॉर अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस जैसे कि टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर फेसिंग अर्थक्वेक कि हम अर्थक्वेक से जो है, ठीक है, तो इसी जरूरत या आवश्यकता इसीलिए भी महत्वपूर्ण रहती है ताकि हम उसको जो है फेस करने के लिए तैयार रह सकें, ठीक है, उसको जो है डिस्कस कर या हम पहले से जो उसका जो है स्टडी कर लें, ठीक है। फॉर सिस्मिक एवलेशन एंड refers to
अपग्रेडिंग द स्ट्रेंथ एंड structural capacity of seismic deficiency building to enable its to safety withstand the effect of in future ताकि जो आने वाले समय में ठीक है किसी भी प्रकार के जो है सिस्मिक शॉक या भूकंपीय झटके जो है वो बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट ना डाल सके, इसीलिए जो है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहां पर जो है सिस्मिक जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को समझना इसलिए भी जरूरी है ठीक है, ताकि हम स्ट्रक्चर की या जो भी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं उसकी जो है पहले से ही उसी हिसाब से भूकंप सिस्मिक वेव के हिसाब से या वहाँ पे जो भी अर्थक्वेक जिस हिसाब से आता है उसी को देखते हुए जो है स्ट्रक्चर या बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं ठीक है। तो ये था कि हमारे लिए क्यों आवश्यकता है जो है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी की ठीक है या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की। तो आज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, किस कारण है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक या भूकंप जो है आता है। causes of earthquake into following three categories कौन-कौन सी। नंबर एक सुपरफिशियल कॉज या सरफेस कॉज, सुपरफिशियल कॉज और सरफेस कॉज,
volcanic was breaker along sea source. Crushing
breakers along sea shores. Mining blast in mining areas. Mining blast in mining areas. ठीक है, जितने भी mining areas हैं, उसमें जो है, ठीक है, कोयले की खानें हैं, उसमें जो है blast करते हैं, ठीक है, कोयले की जितने भी areas हैं, तो उसमें जो है तो उसमें से जो है कोयला निकालने के लिए जो इतने भी ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, उसे भी जो है कंपकपी शुरू हो जाती है, ठीक है, कंपकपी होती है। लार्ज स्केल हैवी एक्सकवेशन जो है भूमि को जो है उसे
खोदा जाता है या उसको जो है हटाया जाता है, लैंडस्लाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो सारा जो है कारण बनता है सुपरफिशियल कॉजेस का, ठीक है। और भी सारे सुपरफिशियल कॉजेस है, जैसे कि माइक्रोसिस्म में आ जाते हैं, माइक्रोसिस्मिक वेव में आ जाते हैं, जैसे कि कल्चरल आवाज, ठीक है, कहीं डीजे वगैरह बज रहा है तो वो भी धमक वगैरह जो है उसका झटके से जो है हिलती है, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्री वगैरह में काम होता है तो आसपास जो है क्या वाइब्रेट होती रहती है, और ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक चलता है तो वो उससे भी जो है कंपकंपी होती है। तो ये सारे जो है सुपरफिशियल कॉजेस में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है अपना वोल्केनिक कॉज। तो जैसे कि वोल्केनिक कॉज में आ जाते हैं जितने भी, ठीक है, तो जो जो ज्वालामुखी पड़ता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है नंबर सेकंड वोल्केनिक कॉज। जो लावा निकलता है तो लावे से जो है ज्वालामुखी पड़ता है और वो क्या कारण बनता है, वोल्केनिक कॉज, ठीक है। नंबर दो वोल्केनिक कॉज, तो ज्वालामुखी है जो कारण या प्रकोप, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन, वोल्केनिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, किसी वोल्केनिक जो है प्रकोप या ज्वालामुखी प्रकोप से या एक्सप्लोजन, ठीक है, विस्फोट के दौरान जो है धरती जो है कंपकंपाती है, ठीक है, कंपकंपाती है, तो वो ज्वालामुखी कॉज या वोल्केनिक कॉज कहलाती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रहती है, प्रॉपर लिविंग इन कंट्री लाइक्स कहां पे लिविंग इन कंट्री लाइक जापान, इटली न्यूजीलैंड, आइसलैंड,
जावा, सुमात्रा, सेट्रास, तो इन जगहों पर जो है जो लोग रहते हैं हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ सच वोल्केनिक activities. क्योंकि जो है इन जो है कंट्रीज में जो है जापान, इटली, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, जावा, सुमात्रा, तो ये ऐसी जो है कंट्रीज हैं, तो इनके अंदर जो है वोल्केनिक जो है झटके जो है या वोल्केनिक एक्सट्रैक्ट या एक्सप्लोजन जो है होते रहते हैं, तो वो अच्छे से जो है जानते हैं. ठीक है, तो वोल्केनिक अर्थक्वेक कॉज बाय क्या कारण है? हाई प्रेशर एक्सटर्टेड, हाई प्रेशर बाय मूवमेंट ऑफ हॉट, बाय मूवमेंट ऑफ के बारे में. तो आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.